नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप का अवतार कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें माता कात्यायनी कहा जाता है। मान्यता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके बेटे ऋषि कात्या हुए। इन्हीं कात्या के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। परम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर बेटी के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ साल के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की और देवी इनकी बेटी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही भव्य और चमकीला है। सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्न आभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभामंडल कई देवों के तेज अंशों से मिलकर इंद्रधनुष जैसी छटा देता है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में, नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाई ओर की ऊपर वाली भुजा में वो चंद्रहास धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का विधि विधान। चैत्र नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करें, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, मंदिर या पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा शुरू करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प लें। माँ को फूल अर्पित करें, फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। माँ को भोग अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। पूजा के दौरान ये मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करें। पुराणों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा विवाह संबंधी सभी मामलों के लिए बेहद ही असरदार मानी गई है। देवी भगवत पुराण के मुताबिक देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वहीं जिन युवक और युवतियों की शादी विवाह में अड़चन आ रही है या जिनकी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वो जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें, इससे उनको लाभ जरूर प्राप्त होगा।